जब 1963 में सैम कुक को एक होटल में नस्लवादी भेदभाव के चलते कमरा देने से मना किया गया, तो उन्होंने अपने आक्रोश को गीत के माध्यम से व्यक्त किया और एक गाना लिखा और गाया। गाने का शीर्षक था चेंजेस गोना कम। इस गाने ने अमेरिका में चल रहे ब्लैक मूवमेंट में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले भी मशहूर श्वेत गायक बॉब डायलन ने ब्लोइंग इन द विंड गाने से खूब सुर्खियां बटोरी। बॉब डायलन एक ऐसे श्वेत गायक हैं जिन्होंने अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट में संगीत के जरिए काफी योगदान दिया। ब्लैक मूवमेंट में संगीत का प्रयोग बहुत व्यापक तौर पर हुआ। मौजूदा समय में केंड्रिक लामार, जोनोले मोना और एसैप रॉकी जैसे लोग रैप म्यूजिक के जरिए ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसे गायकों का उदय हुआ है जो गीत संगीत के जरिए पोषण मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे गाने गाने वाले गायक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में फैले हुए हैं। SS आजाद गिन्नी माही जहां पंजाब में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध गीत संगीत के माध्यम से मिशन को फैला रहे हैं। विपिन तातड़ महाराष्ट्र के एक ऐसे कलाकार हैं जो रैप संगीत के जरिए अंबेडकरवादी विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। विपिन तातड़ ने द मूक नायक से बातचीत की। अभी इंडिया के रैपर्स की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ के रैप का सीन कुछ अलग ही है। यहाँ के रैपर्स जो बड़े बड़े फेमस हुए रैपर्स है, इनके रैप में आपको गालियां देखने को मिलेंगे, गांजा देखने को मिलेगा, अश्लील वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हनी सिंह के, बादशाह के ये गाने जो डीजे में बजते, हम भी बचपन में उस रैप में नाचते थे। तो यहाँ से रैप की शुरुआत हुई है इंडिया में। हालांकि रैप की शुरुआत जो ब्लैक एंड व्हाइट से हुई है, जो ब्लैक रैपर्स थे, जो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, वो उनके रैप से वो लोगों के सामने बातें रखते थे, समाज को एक आईना दिखाते थे उनके रैप से। पर आपको देखने मिलेगा कि इंडिया के अभी जो नए नए रैपर्स है वो बोलते हैं कि मैं तुपाक को सुनता हूँ, मैं ये रैपर्स को सुन के इंस्पायर हुआ और रैप करता हूँ। पर मुझे लगता है कि उन रैपर ने सिर्फ उनका गांजा और उनका गालियां ही अपने रैप में लिया हुआ है। हालांकि उनको पता ही नहीं कि रैप का मतलब ये है कि सच्चाई बताना, जो अपन जिस पीड़ा में अपन रह रहे हैं, जो अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लोगों के सामने रैप के थ्रू लेके आना। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, वो अभी से ही रैप की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि रैप का मतलब बोले तो गालियां देना, गांजा फूकना, अश्लील बातें दिखाना, मतलब ये इंडिया के रैप का सीन है। यहाँ पे भारत में बहुत सारे बातें है, कास्टिज्म है, लिंग भेद है, वर्ग भेद है, कितने सारे न्यूज अपने को देखने मिलेंगे कि खैरलांजी हत्याकांड महाराष्ट्र में 2006 से हुआ है, अभी तक 2023 चालू है, उनको न्याय नहीं मिला हुआ है, अभी भी कास्ट के नाम पे यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे बहुत से रैपर्स भी है जो अपने रैप में सच्चाई बताते है, जो आजू बाजू में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो अपने रैप में प्रेजेंट करते है, पर उनको भी दबाने का काम यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाए तो वो अपने को झूठे केस में डाल देंगे या कोई भी झूठे केसेस लगा देंगे। तो ऐसा सीन भी इधर है कुछ रैपर्स के साथ। जहाँ एक तरफ अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट के गीत गाने वाले अधिकांश अश्वेत कलाकार मेन स्ट्रीम गायक हैं, वहीं भारत में बहुजन मिशन के गायक काफी स्टीरियोटाइप्ड हैं। नागराज मंजुले निर्देशित और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म झुंड में रैप गीत गा चुके विपिन तातड़ मानते हैं कि मेनस्ट्रीम सिंगिंग में जगह बनाना दलितों के लिए काफी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मेनस्ट्रीम में ये लोग कभी हमें आने देंगे, क्योंकि अभी अभी मैं देखता हूँ कि इतने सालों बाद एक झुंड मूवी में मैंने बाबा साहब की जयंती नागराज सर के मूवी में देखने मिली। उसी मूवी में मुझे एक छोटा सा रैप गाने का भी मौका मिला। पर जो मेनस्ट्रीम में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए है, जो उच्च वर्णीय लोग बैठे हुए है, ये कभी भी हमको मेनस्ट्रीम में आने ही नहीं देंगे। हमारे शब्द, हमारे जो कल्चर है, वो उन्हें पसंद आएगा या
क्या वो चलने देंगे। बहुत सारे लोग है जो मेनस्ट्रीम में है अपने लोग, पर वो कभी उनकी चलने नहीं देते, उनके हिसाब से वहाँ पे चलना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा तो तू कर। मतलब अगर मुझे कोई रैप का काम भी मिला तो एज इट इज मेरे शब्द लेंगे, मेरे रैप के वर्ड्स लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। काम आ रहे हैं पर एज इट इज वो नहीं लेंगे, वो बिल्कुल नहीं लेंगे। इसलिए हमको हमारा मीडिया यहाँ पे खड़ा करना पड़ रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनके वजह से हमें हमारी आवाज, हमारा टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। जो बड़े बड़े चैनल से कभी हमारा गाना ले ही नहीं सकते, मैं ऐसा बोलता हूँ। मैंने बहुत चैनल से बात भी की है कि हमारा गाना लोगे क्या वगैरह, तो बिल्कुल नहीं, ये कभी हमको आने ही नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हमको मेनस्ट्रीम में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने हमारा खुद का मीडिया यहाँ पे तैयार किया हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब पे चैनल खोल के हम हमारा टैलेंट, हमारे शब्द और हमारे चैनल पे आपको सब देखने को मिलेगा। हम पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो हम खुले तौर से हमारे चैनल पे हम अपलोड कर सकते हैं, जबकि ये मेनस्ट्रीम मीडिया कभी हमें ये हमारा वीडियो कभी दिखा नहीं पाएंगी और कभी हमको आगे नहीं आने देंगी। सामाजिक गायकों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने अपनी कम उम्र में ही कई संघर्षों का सामना किया। इस गायक दंपत्ति का निजीकरण के खिलाफ गाया गया गाना आया देश विक्रेता काफी सफल रहा, लेकिन भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। विशाल और सपना का स्टूडियो आके हवाले कर दिया गया। तो हमने चार गाना रिकॉर्डिंग कराया। पहला गाना था निजीकरण धोखा है, दूसरा गाना था एक था हिटलर एक है जुटलर, तीसरा गाना था आया देश विक्रेता, चौथा गाना था कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। तो ये जो चारों गाने रिकॉर्ड हमने कराया उसमें से आया देश विक्रेता गाना पूरा दुनिया को पसंद आने लगा, पूरा देश का समर्थन मिला और दो चार लोगों का विरोध भी मिला। क्या बहुत लोग विरोध किए, तो आप जानते ही हैं सर कि समर्थन और विरोध दोनों साथ चलता है। लोगों ने समर्थन भी किया, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके उस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे ऊपर दो दो बार हमला किया, एक बार गाड़ी पे मेरे हमला किया, एक बार मेरे स्टूडियो पर हमला किया, जलाने की धमकी दी गई मुझे, स्टूडियो जलाने के बाद मुझे जलाने की धमकी दी गई। लेकिन कई सारे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी लोगों ने किया और मैं कई सारे मुकदमे से बाहर भी निकल चुका हूँ, लेकिन हम लोग लगातार उसी मजबूती से हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लगातार बात कर रहे हैं कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में।